द्वारका सेक्टर 14 हडीडीए ग्राउंड श्री सनातन रामलीला मंच में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। द्वारका सेक्टर 14 हडीडीए ग्राउंड में श्री सनातन रामलीला मंच द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसमें एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर से आने वालों की चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर गलत इरादे से एंट्री ना कर सके। साथ ही अंदर भी पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मेटल डिटेक्टर के साथ कुर्सियां सोफा के अलावा जगह जगह चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। वहीं हमसे बात करते हुए एक सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि यहाँ पहली बार रामलीला का मंचन और मेला का आयोजन किया गया, जिसमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ होने की वजह से कई बार एंट्री गेट बंद करनी पड़ती है, फिर जब लोग एग्जिट करते हैं फिर एंट्री गेट ओपन करते हैं। उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में दर्शकों के आने के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जगह जगह पर एंट्री गेट मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। मेला पहली बार लगा है सेक्टर 14 के ग्राउंड में, इससे पहले कभी भी नहीं लगा था। लेकिन शुरू में जैसे मेले वाले हैं ये सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पब्लिक आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दशहरा नज़दीक आ रहा है त्यौहार, तो पब्लिक काफ़ी सारी इकट्ठी हो रही है और हमें एंट्री गेट बीच बीच में बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे। तो जैसे रस को खाली होने के बाद में आगे फिर जैसे जैसे थोड़ा रस कम होता है फिर एंट्री खोलते हैं फिर एग्जिट करते हैं।